साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने कलम अपने चैनल पर। साथियों आपके बहुत ज़्यादा कमेंट आ चुके हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज आ चुके हैं, टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज आ चुके हैं, अपने ऐप पे मैसेज आ चुके हैं। इनमें है कि थर्ड ग्रेड जो 2023 में हुई थी आपको ज्वाइनिंग मिली थी, और 2022 की जो भर्ती थी 2022-23 की, उसका जो रिवाइज रिजल्ट आने वाला है, दोबारा रिजल्ट आने वाला है, दोबारा कट ऑफ उसकी बनने वाली है, दोबारा उसमें प्रश्नों के उतार चढ़ाव होने वाला है। तो उसमें कितना क्या फर्क होगा, जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है उनके लिए क्या प्रभाव होगा, कौन कौन प्रभावित होंगे, कितने कट ऑफ ऊपर नीचे जा सकती है, कितने परसेंट चेंज हो सकते हैं, स्कोर कार्ड चेंज होगा कि नहीं होगा, कितने चेंज होंगे, कुछ पॉइंट से रह रहे हैं जो साथी, कुछ पॉइंट से रहे हैं उनका क्या होगा, कट ऑफ में क्या चेंज आ सकते हो, पूरी बात हम आराम से करेंगे। साथियों वीडियो शुरू करने से पहले एक बार सभी शेयर कर दें इस वीडियो को, चैनल पे आपने हैं तो भी आप सब्सक्राइब करके इस परिवार का सदस्य बने। साथियों देखिए, साथियों शुरू आपके जितने भी सवाल है वो पूरी बात हम आराम से करेंगे। उससे पहले अपना ऐप है वो डाउनलोड करें, आप अपना ऐप है वहां पे अपने इसी से जुड़ सकते हैं। ऐप का नाम है साथियों अपनी कलम अपनी आवाज, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, ठीक है, आस्था जी की सीरीज है, अपनी कलम अपनी आवाज प्ले स्टोर से सर्च करके डाउनलोड करें या कमेंट बॉक्स में उसका लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी साथियों तक ये सूचना जरूर दें ऐप को लेके। चलिए साथियों का क्या होगा, कुछ पॉइंट से रह रहे हैं जो रह गए थे उनका क्या होगा, जिला चेंज हो सकता है जिन्होंने ज्वाइन कर लिया उनका क्या होगा, क्या हो सकता है चेंज, या कितने परसेंट चेंज होंगे, स्कूल कार्ड चेंज होगा कि नहीं होगा, कट ऑफ कितनी चेंज होगी, पूरी बात आराम से करेंगे। देखिए सबसे पहले तो ये बात करें कि कोर्ट के ये मामले के बाद में ये जो मामला सुलझा अंतिम निर्णय तक पहुंचा रिजल्ट L2 का, उसमें ये तय है कि रिवाइज रिजल्ट आना है, ये बात तो तय है, ठीक है, ये बात तो यहाँ पे तय होगी कि रिवाइज रिजल्ट आएगा 100% आएगा। L1 का मामला ये केवल L2 का है साथियों, ये कौन सा है, ये L2 का है, और L1 का मामला भी चल रहा है, उसमें भी यदि अच्छे से पैरवी की वकीलों ने तो आराम से इनका भी वही मामला होना है जो L2 का होगा। तो पहली बात तो ये कि प्रश्न चेंज होंगे, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, प्रश्न तो चेंज होंगे निश्चित रूप से, और L2 की बात करूँ तो सभी सब्जेक्ट में कुछ होने हैं, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन के भी अलग अलग सब्जेक्ट में हो सकते हैं, ठीक है, प्रश्न चेंज होंगे तो इसका तय है कि रिजल्ट दोबारा आएगा और स्कोर कार्ड भी चेंज निश्चित रूप से होगा, जिन्होंने ज्वाइन कर लिया उसका भी स्कूल कार्ड चेंज होगा, ये तय है, ठीक है, जो फिक्स है पहले वो बात करते हैं। और कुछ पॉइंट से जो रह गए, कुछ पॉइंट से रह गए, एक नंबर से, एक पॉइंट से, कुछ पॉइंटों से रह गए, DOP के कारण रह गए, जो भी मामला हुआ, वो यहां पे यदि वो प्लस में जाते हैं प्रश्न चेंज, प्रश्नों का उत्तर चेंज होने पर, तो निश्चित रूप से वो सिलेक्शन की दौड़ में होंगे, क्योंकि वो नंबर बढ़ेंगे उनकी यदि प्रश्न चेंज होने से, तो निश्चित रूप से उनका चयन होगा, उनका सिलेक्शन होगा, उनकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है, ये बात भी तय है। जिला चेंज होगा कि नहीं होगा, जिन्होंने चेंज कर लिया तो वो मामला बाद में होगा कि रिसेप्ल यदि कब आए क्या आए, वो मामला भी होगा, हो सकता है रिवाइज रिजल्ट आए तो आप और भी पास में हो सकता है, यदि रिसेप्ल आए तो वो मामला एक बार अभी छोड़िए। चयनित साथियों का क्या होगा, तो ये आज साथियों हम बात करते हैं कट ऑफ चेंज होगी कि नहीं होगी, तो ये निश्चित रूप से चेंज होगी, ये आप सभी को पता है, प्रश्न चेंज होंगे, कोर्ट का मामला है, आप सभी को मामला ये तय हो चुका है कि प्रश्न चेंज होने हैं, हो गए हैं, उत्तर चेंज हो गए हैं, ये कमेटी बनी है आराम से, तो स्कोर कार्ड भी चेंज होगा, स्कोर कार्ड चेंज होगा मतलब कट ऑफ चेंज होगी, अलग अलग सब्जेक्ट की कट ऑफ चेंज होगी। साथियों अब कोई साथी पॉइंट से रह गई और यदि उसके गलत प्रश्न सही जो सही सही हो जाएंगे तो निश्चित रूप से उसका स्कोर बढ़ेगा, और स्कोर बढ़ेगा तो वो कट ऑफ में शामिल हो जाएगा। अब भी साथियों जैसे मैं बात करूं किसी सब्जेक्ट की 2000 पोस्ट है, कितनी पोस्ट है 2000 तो पहले से लग चुके। अब यदि ये बात करूं मैं, जैसे कोई भी उदाहरण लो, कम ज्यादा हो सकती है, मैं जैसे बात करूं अंग्रेजी की बात करूं हिंदी की बात, किसी भी सब्जेक्ट की, मतलब 2000 पोस्ट है यदि माने, 2000 तो ज्वाइन कर ली 2000 ने, अब यदि यहां से इस स्कोर कार्ड चेंज होने से, कट ऑफ चेंज होने से यदि 15 बच्चे भी ऐसे हैं, स्टूडेंट ऐसे हैं, अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके अंक बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2000 तो पहले से ज्वाइन कर चुके, पद इतने थे, अब इसका क्या करेंगे, ज्वाइनिंग कहां से देंगे, तो सीधी सी बात ये होगी चयनित जो साथी हैं, जो 15 अभ्यर्थी ऐसे थे जो पॉइंटों से जिनके कम हुए हैं, क्योंकि निश्चित रूप से कम भी होंगे बहुत सारे होंगे, और कम होंगे जिनका प्रतिशत बढ़ेगा, तो जिनके कम होंगे वो निश्चित रूप से 15, एक बार लिस्ट यही आएगी बोर्ड की तरफ से कि ये 15 अभ्यर्थी हैं इनके ये कम अंक हुए हैं, और इनको एक बार के लिए अस्थायी हटाया जाता है, या इसको अस्थायी सूची जारी की जाती है, अस्थायी सूची जारी की जाती है, यहाँ पे सूची आ गई कि इनके अंक कम जारी हुए, इस प्रकार से लिस्ट आ जाएगी। अब यहाँ पे
एक मामला 2013 में हुआ, एक मामला 2016 सेकंड ग्रेड में हुआ, एल एस ए वो चल रहा है। तो मामला ये होगा साथियों कि इसमें एक अलग से पोस्ट सर्जित की जाती है, जैसे 15 पोस्ट इस सब्जेक्ट में बढ़ी है तो यहां से 15 पोस्ट अलग से सरकार को बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि स्टूडेंट की गलती नहीं है, गलती बोर्ड की है, बोर्ड की सपोर्ट आपको को, सरकार को करना पड़ेगा। ठीक है, कोर्ट में मामला जाएगा तो 15 पोस्ट आराम से यहाँ पे बढ़ेगी, निश्चित रूप से ये बढ़नी है। पहले तो आप ये टेंशन छोड़ दीजिए कि चयनित साथियों का क्या होगा, वो बाहर नहीं होने, किसी भी भर्ती में आज तक नहीं हुए हैं। यदि एक लिस्ट ऐसी आती है कि ये 15 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, कम अंक हुए हैं, तो लिस्ट जारी जरूर हो सकती है चयन बोर्ड की ओर से, लेकिन कोर्ट में आपको जाना होगा और सरकार निश्चित रूप से पोस्टें बढ़ाएगी। ठीक है, यदि पोस्ट ऐसी है तो ऐसे बढ़ा देगी वो गवर्नमेंट, क्योंकि पीछे भर्ती में ऐसा हुआ है, या तो ऐसे बढ़ा देगी, नहीं हुई तो आप कोर्ट में आराम से जा सकते हैं, मामला हो सकता है पीछे, जिनको शेडो पोस्ट कहते हैं, अतिरिक्त पोस्ट सर्जित की जाती है उसी भर्ती में, शेडो पोस्ट के नाम से जानी जाती है, तो वो पोस्टें सर्जित की जाएगी, आपको आराम से ज्वाइनिंग भी मिलेगी, जो पहले से चयनित है वो सेफ रहेंगे। अब अलग अलग सब्जेक्ट के कितने पोस्ट सर्जित हो सकते हैं, ये साथियों अभी अनुमान लगाना पहले ही नहीं तय होगा कि कितने पॉइंट गिर सकती है, कितने पॉइंट कम आ सकती है, कटो ये साथियों कितने आपके कितने चेंज होते हैं, कौन से प्रश्न आपके सही ज्यादा गलत होते हैं, कौन से प्रश्न सही होते हैं वो गलत होते हैं, वो मामला आगे होगा। लेकिन आप मानकर चलिए हर सब्जेक्ट में कुछ बदलाव जरूर होगा, स्कूल कार्ड चेंज होगा, प्रश्न चेंज होंगे, कुछ पॉइंट से जो रह रहे हैं उनको फायदा भी होगा और कट ऑफ चेंज होगी, निश्चित रूप से सिलेक्शन में बहुत से साथी आएंगे, आप ये मानकर चलिए। तो आप ये मानकर चलिए हजारों की संख्या में ये भीड़, लगभग ये मामला हो सकता है 1000 के आसपास, 2000 के आसपास, या आंकड़ा कहां पर भी जा सकता है, क्योंकि ये पोस्ट बढ़ सकती है 1500 जितनी भी, वो आगे मामला तय होगा। लेकिन मामला तय ये है कि ये तो होना ही है, रिवाइज रिजल्ट तो L2 का आना ही है, कुछ पॉइंट चल रहे हैं उनको फायदा भी होना है, और चयनित साथी जो है वो आप टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आप ज्वाइन कर चुके हैं, वो आपकी गलती नहीं, सरकार बोर्ड आदि है, उनका निर्णय पहले लेना था, बहुत बार गलत हो चुके हैं, इसी भर्ती में बैठते परेशान होते हैं, तो पहले से ही ये कमेटी तय होनी चाहिए, 2 या 3 कमेटी बार बार उसको उस कमेटी से ये प्रश्न गुजरने चाहिए, तब जाके ये मामला पारदर्शी हो जाएगा। तो निश्चित रूप से अब सुधार भी होगा, होने हो रहा है, आप देख रहे हैं। तो हम आशा करते हैं आपको जो सवाल थे आपके, आपके जवाब मिले यहाँ पे, और कुछ सवाल रह गए हैं तो कमेंट बॉक्स में रखें। L1 का मामला चल रहा है, वो क्या देखते हैं आगे क्या होता है, मामला ये लग रहा है कि यदि अच्छे से प्योरिंग वकील साहब करते हैं तो ये भी मामला कुछ आप प्रश्न पॉइंटों से रह रहे हैं उनका नंबर आ सकता है, तो आप घबराने की आवश्यकता नहीं है, अच्छी बात है, जो पॉइंट से रह रहे हैं साथी वो उनको ज्वाइनिंग मिलेगी यहाँ पे, जो चयनित हो चुके हैं उनको तो नहीं, लेकिन इसमें पोस्ट बढ़ जाएगी और उनको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। ठीक है साथियों, सभी शेयर करें, अप्ना ऐप डाउनलोड करें अपने क्लब के नाम से, प्ले स्टोर से, कमेंट बॉक्स में लिंक है वहां से जुड़े, टेलीग्राम का लिंक है वहां पे जुड़े। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।